आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी लोगों के द्वारा जो है बार बार एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैसे कि आप सभी लोगों ने पूछा है कि सर डीएलएड के जो सिलेबस होते हैं फर्स्ट ईयर का, उसमें साइंस और आर्ट के जो होते हैं अलग होते हैं क्या? तो मैं आपको बता दूं कि डीएलएड का जो सिलेबस होता है वह सबके लिए जो होता है एक बराबर होता है, मतलब एक समान होता है। जैसे कि आपको जो भी बच्चे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या मैथ या साइंस वाले हो, सबका सिलेबस जो होता है एक होता है। जब वहां जाते हैं आप क्लास करने, तो वहां पर जो है अलग आपको नहीं बैठाया जाएगा कि आप साइंस वाले हैं, आप कॉमर्स वाले हैं, जब आप आर्ट वाले हैं, सबका सिलेबस सेम होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 10th और 12th का सिलेबस एक अलग है, उसका पैटर्न थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन डीएलएड का जो पैटर्न होता है ना, इसमें आर्ट्स होते हैं ना साइंस होते हैं, इसमें जो होते हैं आपके इसका अलग एक प्रचलित जो है इसका अपना सिलेबस है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में 12 पेपर पढ़ने होते हैं। तो आप सभी लोगों को यह सवाल जो बार बार क्रिएट हो रहा है कि सर सेकेंड जो आपका पेपर होता है, जैसे कि सेकेंड ईयर हो गए, फर्स्ट ईयर हो गए, तो इसमें कोई पेपर आता है, तो वह जो पेपर होता है आपको जो केवल फॉर्म भरते समय चयन करना होता है। अगर आप साइंस से हैं तो साइंस लेंगे, अगर आप आर्ट से हैं तो आर्ट का सिलेबस लेंगे, अगर आप लैंग्वेज वाले ग्रेजुएशन करके गए हैं तो लैंग्वेज का पेपर लेंगे। यह जो होता है हायर एजुकेशन के लिए होता है, 6 to 8 के लिए टीचर बनने के लिए आप एक कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट का चयन करते हैं जो कि आपके स्ट्रीम पर आधारित होता है 12 के और ग्रेजुएशन के। बाकी आपके जो डीएलएड के सिलेबस होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो साइंस हो या आर्ट हो या कॉमर्स हो। समझ गए? और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपको नोट्स भी जो है लॉन्च कर दिया गया है, जिन बच्चों को लेना है वो आकर ले सकते हैं। सभी लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले ले जरूर। नोट्स जो है बेहतर तरीके से तैयार किया गया है और साइंस और आर्ट दोनों के लिए है, बस हिंदी लैंग्वेज है। कुछ दिन में आपके इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाएंगे, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।